हम लोगों ने आज से 4 साल पहले कोशिश शुरू किया था एक उर्दू मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल, और वो जगह भी हो गया और फंड भी सैंक्शन हो गया और टेंडर भी हो गया, काम शुरू हो जाएगा जल्दी से जल्दी। और जीटी रोड के ऊपर एक उर्दू मीडियम गर्ल्स हाई स्कूल बनेगा और हमारे घर का बच्चा वो जो गर्ल्स है वो उधर से स्कूल से एडमिशन लेगा और आगे बढ़ेगा, और हमें सबको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये हमारा काम है, जब भी कोई ज़रूरत होता है हमें कभी साझा सलीम भाई, इधर में और एक अच्छा स्कूल बना है हमारे रेबिका समरिकल स्कूल, उधर में भी अच्छा काम चल रहा है, अच्छा रिजल्ट होता है। कुछ प्रॉब्लम होता है डीआई ऑफिस में, मैं जरूर बात करके जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करके हायर सेकेंडरी भी चालू होना चाहिए जल्दी से जल्दी। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माध्यमिक पास करने के बाद वो 11 में स्कूल में ही एडमिशन लेगा और हायर एजुकेशन करेगा। तो मैं अब दिल से मेरा बहुत बहुत और ऐसा ही स्कूल आगे बढ़ेगा और आप सबका कोशिश स्कूल एक रेपुटेड स्कूल बनके हावड़ा में हर साल अच्छा अच्छा स्टूडेंट देश को भेज देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और ड्रिंकिंग वाटर के सिलसिले में दादा इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो तमाम प्रोग्राम आपके बाद में खरीद किए जाएंगे। मैं तो इस बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की मस्जिद में सैयद अहमद की जो आज प्रोग्राम चल रही है मस्जिद में, कैसे सभी साहब की आमद हो चुकी है जो स्टेज पर जलवागर हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी बैतुल माल सिखिया पारा हावड़ा से गुजारिश करता हूँ कि वो भी माइक पर आए। जनाब राजेंद्र साहू साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए। जनाब यूसुफ साहब আমাদের हाई सेकेंडरी की तालीम वो हासिल कर रहे हैं, वहीं के जिम्मेदारान ने मजहबी तालीम का भी बंदोबस्त किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे सिर्फ और सिर्फ दुनियावी तालीम से आरास्ता न हो बल्कि बहसीयत मुसलमान उनको इस्लाम भी तालीम दी जाए, अलिफ से लेकर ये तक हुरूफ अदा करने का तरीका भी बताया जाए, खाने खाने का तरीका बताया जाए, बड़ों से पेश आने का तरीका बताया जाए, माँ बाप का अदब और एहतराम किया ये सिखाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर तमाम तर स्कूलों में इसी तरह ऐसा नहीं होगा जिसको देख करके लोग उंगली उठाए बल्कि देखने के बाद कहें कि इस बच्चे की परवरिश कहाँ हुई है, ये बच्चा किस इदारे का तालीम याफ्ता।